नमस्कार दोस्तों, हमने पहले वाली क्लास में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा था और कुतुबुद्दीन ऐबक पूरा क्लियर हो चुका है। आज हम एक दूसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। उस व्यक्ति का नाम होगा इल्तुतमिश। कौन होगा? इल्तुतमिश। हम जानते हैं कि ऐबक के एक बेटा था, उस बेटे का नाम आराम शाह है। बेटे का नाम क्या था? आराम शाह। ये ऐबक का बेटा है। लगभग 10-11 मिनट अगर आप सियासत पर रह गए, हालांकि इसे एक षड्यंत्र में फंसाकर इसे मार दिया जाएगा। राजगद्दी का पद और ला इसी स्वभाव में लालची हो जाता था व्यक्ति, क्योंकि राजगद्दी का जो पद होता था उसमें बड़े फायदे होते, बड़ा ऐश और आराम होता। क्या आराम था? सुनिए, एक शब्द में मैं कहूं तो एक बेटा जिस दिन से समझदार हो जाता है, वो सपना है उसका, उसे पता है कि राजगद्दी मेरे पिता की मृत्यु के बाद मुझे ही मिलेगी, पर उसे उस समय तक इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वो हर समय हर घड़ी हर पल हर क्षण वो चाहता है कि अपने पिता की जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी मृत्यु हो जाए, क्योंकि उसे क्या दिखाई दे रहा है? ऐसा क्या है राजगद्दी में जिस वजह से एक बेटा अपने पिता को मारने के लिए तैयार रहता है? पूरा इतिहास इस बात का गवाह है कि राजगद्दी के लालच को लेकर पिता पुत्र भाई बंधु परिवार में इतना मार धाड़ हुआ है कि आप इतिहास को देख सकते। 5-10% राजाओं को छोड़ दिया जाए तो 90% 80-90% राजा राजगद्दी को लेकर ही युद्ध लड़ते हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है। ऐबक ने अपने साम्राज्य में जो कुछ हुआ, मात्र 40 साल राज किया था उसने, 4 साल में जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ था। इतिहास खान उसकी निंदा नहीं करते। ऐबक ने इस देश में जो भी किया वो सही किया था, बुरा भी नहीं था, पूरी नियम भी है। पिता की मृत्यु के बाद राज सियासत पर बेटे का ही अधिकार है, और जैसे ही ऐबक मर गया तो मरने के बाद उसके बेटे को राज सियासत पर बैठा दिया। लेकिन ऐबक का जो भतीजा था, वो मुसलमानों में नियम है, इस बात का साक्षी गवाह कि साहिब चाचा की लड़की से भी विवाह हो जाता है, इसलिए इल्तुतमिश कौन है? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वो भतीजा भी है और दामाद भी है। मान लेते हैं यहां पर हम कि वो दामाद है। आराम शाह इतना एबल आदमी नहीं है, पर बुरा भी नहीं है। हम नहीं कह सकते कि वो बुरा है। आराम शाह ने ऐसे कोई गलत काम नहीं किया जिस वजह से राज सियासत को उखाड़ा जाए या उसे मारा जाए, पर बस ये पद चाहिए। इल्तुतमिश दामाद है, उसने अपनी पत्नी को समझाया कि तुम्हारा भाई एकदम मूर्ख है, तुम्हारे पिता की नाक कटवाएगा, दिल्ली के सियासन के लायक नहीं है, और यदि ये सियासन पर रहेगा तो तुम्हारे पिता और वंश का विनाश हो जाएगा, दुनिया अधिक ऑब्जेक्शन करेगी, इसलिए इसको राजगद्दी से हटाकर तुझे राजगद्दी लेनी चाहिए। इसको कह रहा है इल्तुतमिश अपनी पत्नी को, कह रहा है कि तू इतनी योग्य है, गुणवान है कि दिल्ली के राज सियासत पर तुझे राजनीति पर बैठना चाहिए, मैं बताऊंगा तुझे। तो एक पत्नी हो, पत्नी में जो प्रेम हो जाता है, वैसे तो मैं एक शादी बताऊं का अनुभव करता हूं, पति और पत्नी में जब प्रेम हो जाता है तो दुनिया एक तरफ हो जाए, वो मरने के लिए प्राण भी देने के लिए तैयार है, और जब लड़ाई हो जाती है उनके साथ
तो फिर चाहे दुनिया पूरी समझा दे, वो दुश्मन भी सबसे बड़े होता है। दोनों पति पत्नी ने मिलकर षड्यंत्र रचा और आराम शाह को मार डाला, धोखे से मार डाला। हालांकि इतिहासकारों ने बहुत सारी बातें छुपाई है कि वो बीमार होकर मर गया, वो धोखे से किसी मित्रों ने मार दिया, वो ऐसे सामान्य मर गया किसी बीमारी से, और वास्तविकता यह है कि इल्तुतमिश ने उसे मार दिया, क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली का राजसिंहासन चाहिए। इल्तुतमिश ने मौका पाकर राजसिंहासन हड़प लिया। शमसी वंश का व्यक्ति था, शमसी वंश का, इलवरी जाति का था, इसलिए इलवरी वंश लाए इल्तुतमिश ने। अब दिल्ली की राजगद्दी उसे मिली, 1211 ईस्वी में राजसिंहासन पर बैठ गया। 1211 ईस्वी में जब राजसिंहासन पर बैठ गया तो अब दिल्ली का विकास करना है, तो एक तो कुतुब मीनार का काम अधूरा पड़ा था, इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया, 3 मंजिलें बनवा दी। 1 मंजिल तो एबक बना के चला गया था और बाकी की 3 मंजिल है वो इल्तुतमिश ने बना दी, और 5वीं मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवा दिया था, क्योंकि एबक ने 4 ही मंजिल सोची थी वो उसने पूरी कर दी। इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान है जिसने सिक्के जारी किए, इससे पहले सिक्के नहीं थे, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान एबक। सिक्कों पर कुतुबा गढ़वाया उसने, अपने पद प्रतिष्ठा पत्नी इनके चित्र दिए उसने। इल्तुतमिश ने मैन 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, 2 प्रकार के सिक्के, तांबे का जीतल और चांदी का टका। एक तो क्या चलाया, तांबे का जीतल और चांदी का, दो प्रकार के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। हमें यहां ध्यान ये रखना है कि दिल्ली में सिक्के जारी करने वाला पहला सुल्तान एबक ये इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश से ने इकता प्रणाली चलाई, एक बात ये ध्यान रखना, इकता व्यवस्था, इकता व्यवस्था किसने चलाई थी, इल्तुतमिश ने चलाई। हालांकि इल्तुतमिश के काल में कई लोगों ने विवाद भी किया था, हालांकि दबा दिया था, जैसे यिल्दोज़ और कुबासा नाम का जो मित्र था उसने बहुत भारी विवाद किया था, हालांकि उस अभियान को उसने दबा दिया। हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक इल्तुतमिश भी है। The real founder of दिल्ली सल्तनत is इल्तुतमिश। वैसे तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक एबक को मानते हैं, पर वास्तविक संस्थापक कौन है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की मृत्यु लास्ट में बामियान अभियान में होगी। बामियान अभियान 1235 के आसपास होगा जिसमें इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य देखिए कि इल्तुतमिश के पुत्र नहीं हुआ, हालांकि इल्तुतमिश को डर था कि मैंने आराम शाह को ऐसे मारा है मुझे भी मारा जा सकता है। इस डर से बचने के लिए इल्तुतमिश ने 40 बॉडीगार्ड बना लिए। 40 बॉडीगार्ड किसके थे, जिसको फारसी भाषा में तुर्कान ए सैल नामी कहा गया। तुर्कान ए सैल नामी, तुर्कान एक सहल नामी कहा गया। इसे ही 40 साल दल कहा जाता है।
क्योंकि इसमें 40 श्रद्धालुओं का एक गह बंधन होता है। और ये किसकी रक्षा करेंगे? इसलिए सुरक्षा के लिए 40 बॉडीगार्ड बनाए। इल्तुतमिश मर गया, उसके एक बेटी भी जिसका नाम है रजिया सुल्तान, रजिया बेटा मरने के बाद बेटा है नहीं, रजिया भी कुमारी लड़की है, इसलिए राज सिंहासन पर किसको बैठा दिया? रजिया। रजिया हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम शासिका है। इससे पहले कोई मुस्लिम महिला, हिंदू महिला राज सिंहासन पर नहीं बैठी। इतिहास इस बात का गवाह है, साक्षी है, हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम राजा जो बनी थी वो रजिया बेगम। दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारगे रायगे श्रीलंका की, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, उपराष्ट्रपति भी बनी। रजिया बेगम है वो हिंदुस्तान की पहली महिला मुस्लिम राजा है। हालांकि रजिया ने काम थोड़े उल्टे कर दिए, ये उल्टे काम करने की वजह से मुस्लिम प्रथाओं का विरोध करना, जैसे मुगल्स जैसे लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया और रजिया को मारने का प्लान बनाया। रजिया के साथ क्या हुआ था ध्यान से समझिए, इस कहानी को ज्यादा बड़ी नहीं है। 1236 ईस्वी में रजिया बेगम राज सिंहासन पर बैठ जाती है। राज सिंहासन पर बैठने के बाद वही होगा जो राजा गलत नियम भी बोल देगा तो जनता को पालन करना होगा, हुकूमत चलेगी उसे, आदेश चलेगी उसे। रजिया ने क्या किया, अपने दिमाग से यह सोचा कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए, पर्दे पर्दे से बाहर आना चाहिए। देखो मुस्लिम महिला इनको बुर्का पहनती है, सिर्फ आंखें ही दिखाई देती है, और वही मुस्लिम महिलाओं की सबसे अच्छी परंपरा मानता है क्योंकि उनका पूरा तन ढका हुआ है। और हिंदू धर्म की महिलाओं में आप सारी हिंदू धर्म नहीं है, पता नहीं क्या अगर कल्चर के हिसाब से देखा जाए तो मैं मुस्लिम महिलाओं को इसलिए सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं से मानता हूं क्योंकि उनका पूरा तन ढका हुआ है। आज भी 90% मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके अंदर ये परंपरा बरकरार है, पर हिंदुओं में संभव नहीं। इसलिए मैं हिंदू होकर यहां हिंदुओं की कल्चर पर थोड़ा आघात पहुंचा रहा हूं कि स्त्री को पर्दे पर्थे में रखा जाता था। रजिया ने कहा कि नहीं, स्त्री को संपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, वो भी एक राजा बन सकती है, वो भी एक न्यायाधीश बन सकती है, प्रधानमंत्री बन सकती है, राष्ट्रपति बन सकती है, वो भी अपने साम्राज्य में बहुत आगे जा सकती है, उसे पढ़ाया जाए लिखाया जाए। हालांकि उस दृष्टि से देखा जाए तो रजिया का कहना बिल्कुल सही। रजिया पहली मुस्लिम महिला है जिसने खुद ने बुर्का प्रथा का विरोध किया, खुद कोट पैंट पहनकर टोपी पहनकर दरबार का आयोजन किया। जब कोई चीज समाज को पसंद नहीं है, चाहे वो सही हो या गलत हो, हमें समाज के अनुसार ही चलना चाहिए। राजा का एक कर्तव्य है कि वो हमेशा प्रजा के हित में ही सोचे, और प्रजा का एक कर्तव्य है कि वो राजा के हित में ही सोचे। परंतु यदि किसी मुद्दे को लेकर राजा ने नियम बनाया है, प्रजा स्वीकार नहीं कर रही है, तो राजा का कर्तव्य है कि उस नियम को बदला है। रजिया ने खुद ने ऑब्जेक्शन किया और खुद कोट पैंट टोपी पहनकर दरबार का आयोजन करने लगी। जो 40 बॉडीगार्ड थे वो कहीं ना कहीं के गवर्नर हुआ करते थे, एक बंगाल का था, एक बिहार का था, एक उत्तर भारत में था, एक दक्षिण भारत में था, एक मध्य भारत में था, ऐसे करके वो किसी ना किसी इलाके के गवर्नर हुआ।
सभी को एक एक इलाका सौंप रखा था इल्तुतमिश ने। पंजाब के गवर्नर ने घोषणा कर दी कि मैं आज से रजिया बेगम के एक भी आदेश का पालन नहीं करूंगा, मैं पंजाब क्षेत्र को स्वतंत्र घोषित करता हूं। तो फिर रजिया इस विद्रोह को दबाने के लिए गई और ये प्लान पहले से ही बनाया हुआ था कि रजिया को बीच में ही पकड़कर मार दिया जाए। रजिया बेगम को रास्ते में ही पकड़कर जेल में बंद कर दिया, कैद कर लिया। अब जेल में बंद हो गई, संपूर्ण गवर्नरों को यह कह दिया गया कि आप स्वतंत्रता घोषित कर दो, अपने साम्राज्य में ऐलान कर दो कि हम सब आ रहा है और अनाउंसमेंट करवा दो कि रजिया मारी गई है। रजिया देख रही तो भी जेल में बंद। रजिया ने देखा कि अब कोई ऑप्शन नहीं, अगर दिल्ली की जनता को यह बता दिया गया कि रजिया मारी गई है और स्वतंत्र साम्राज्य और दिल्ली की राज शासन पर किसी को बैठा दिया गया तो उसके बाद हमारी राज होती चली। जब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है तो आदमी बुरे से बुरे काम करने के लिए भी मजबूर होता है। रजिया ने देखा कि इस जेल से बाहर अपने को जेलर ही निकाल सकता। रजिया ने कहा कि मैं तेरे से विवाह कर लूं, मतलब उस जेलर को फंसा दिया जिसका नाम अल्तुनिया था। जेलर ने देखा कि यदि मैं इसको बचा लेता हूं तो मैं एक राजा का पति हो गया, पर अल्तुनिया कम नहीं था। उसने कहा कि नहीं, तुझे मेरे से फेरे लेने होंगे, पहले निकाह करना होगा, जेल का अंदर ही विवाह हो गया। विवाह हुआ, निकाल हुआ, पूरा विश्वास हो गया, पूरा चापड़ा ये सब पहन लिया, दिकना की मांग मूंग तिलक धारण जो भी होते हैं सारे को। अब दोनों जेल से फरार हो गए। रास्ते में डाकू ने पकड़ करे रजिया और अल्तुनिया दोनों को मार दिया। अब तक तो एक कोई मार रही थी, रजिया कोई साफ को मारा गया, अल्तुनिया भी मारा, जीवन भी मारा। इसलिए ये कहानी आपसे ये संदेश देती है कि मनुष्य को कभी इस तरीके बहकावे में नहीं आना चाहिए। उसके बहकावे में जो आएगा उसे उसका कर्ज चुकाना पड़ेगा, आज नहीं तो 10 साल बाद वो उसकी मौत बनकर कभी भी आ सकता। अल्तुनिया अच्छा खासा परिवार था, नौकरी कर रहा था, कोई समस्या नहीं थी, परंतु विवाह के लालच में फंस गया और मारा गया। हिंदुस्तान की वो महिला जिसको डाकुओं ने मार दिया था, पंजाब में केथल के पास, वर्तमान में केथल शायद हरियाणा में है, 1240 ईस्वी में रजिया भी मारी गई। इतनी इल्तुतमिश और रजिया बेगम की कहानी। हम बाकी बाद में दूसरी कहानी के बारे में बलवंत फेमस आदमी है उसके बारे में पढ़ने।